अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज संडे का दिन है और मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो मैंने सोचा लाओ कुछ अच्छा सा बनाते हैं आज। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी और नॉन वेज, मतलब चिकन मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी ठीक ठाक लगता है, बच्चों को भी पसंद है। तो मैंने कहा आज चलो, आज संडे का दिन है थोड़ा, तो आज चिकन करी बना लेती क्योंकि वो तो। और इसके बाद थोड़ा सा तेल डाली मैंने कढ़ाई में, उसमें फिर मैंने प्याज डाल लिया और दो प्याज काटी तो मैंने वो पत्ते काट के डाल दिए और उसमें थोड़े से गरम मसाले और पत्ते डाल दिया ये। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, प्याज को फ्राई करना है लाल होने तक, थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए उसको फ्राई कर लेना है। तो इसमें से फिर मैं थोड़ा सा प्याज को निकाल के अलग कर दूँगी, जो ब्राउन जो हो गया इसको हल्का सा थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल के हम अलग कर देंगे। मैं थोड़ा अपने तरीके से बना रही हूँ और आप लोग तो इसी में गोश्त डाल देते हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बनाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा कोरमे का टच भी देना चाह रही हूँ इसमें, इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो इसमें गोश्त डाल देंगे, गोश्त को हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक उसका रेडपन नहीं ख़त्म हो जाएगा, वाइट हो जाता है भूनने से ही। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे पहले, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, मैं आप कोई थोड़ा ही, मैंने गोश्त मेरा थोड़ा था तो मैंने थोड़ा ही डाला था। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो मैंने टमाटर काटे हैं, टमाटर भी मैं इसमें डालूंगी क्योंकि आज मैं थोड़ा अलग सा बना रही हूँ। और वैसे भी चिकन करी में टमाटर तो डलते ही, आप लोग भी डालते होंगे, मैं कम ही से बनाती हूँ चिकन करी, मैं ज़्यादातर कोरमा वगैरह बना लेती हूँ। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद चिकन करी बनाई है। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, एक चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी और एक थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, अपने आप से जितना आप लोग जैसा खाते हैं उसके हिसाब से आप नमक डाल लेना। एक पिंच हल्दी का डालूँगी क्योंकि हल्दी भी मैं थोड़ा ही डालती हूँ हल्दी का, लेकिन डाल लेते हैं थोड़ा बहुत सही रहता है। फिर इसको भून लेंगे, भूनने के बाद मेरा चिकन मसाला था ये रखा हुआ था तो मैंने ये भी डाल लिया, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है इसका चिकन करी का। फिर जो मैंने प्याज बचाई थी और उसको भी डालने, पहले गरम मसाला भून गई, पहले गरम मसाला डाला मैंने, गरम मसाला मैं थोड़ा ही डालती हूँ क्योंकि साबुत भी डाल दिया था मैंने इसकी वजह से, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला। और फिर लास्ट में जो हमने, मैंने आपको बताया था मैंने प्याज जो निकाली थी उसको मैंने पीस लिया था, पीस के इसमें डाल देंगे जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और ये इसमें फिर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से, आपको पतला जितना रखना उसके हिसाब से आप उसकी क्वान्टिटी पानी की बढ़ा सकते हो। हमें रोटी से खानी थी तो मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा, गाढ़ा ही रखा, मतलब भुना हुआ सा ही बनाया। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे, खाने में देख लीजिए आप किस तरीके से बना हुआ है। खाने में भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे, खाना खाने के बाद और फिर थोड़ा सा जयराज बहुत परेशान थे, बहुत रोए क्योंकि मेरी देवरानी जो है वो अपने घर चली गई है रहने के लिए, तो उजैर उनके लिए बहुत परेशान थे इसलिए उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा घुमाने ले गई। मैंने कहा बाजी के घर जाने की कह रही थी, मैं उसमें सादिया के घर चली गई, बाजी के घर भी गई थी लेकिन सादिया के घर है, उधर की छोटी छोटी चीज़ें मैंने ले लिए और हम लोग जाने लगे थे। और मुझे सही हम सादिया के घर जा रहे हैं, उनके घर भी जाके अच्छा लगता है उसको। तो और जुनैर भी जुनू लाइट जल रही है, पहन के दिखाओ कितना खूबसूरत देख रही है। सादिया के घर से आने के बाद भी यहाँ पे कोई मेहमान बैठे हुए थे, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई और अब बना रही हूँ। तो मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है और नमाज पढ़ने के बाद मैंने दाल भी रख दी है पकने के लिए, कि मैं अब इस टाइम दाल चावल बना रही हूँ, दाल रख लिया मैंने पकने के लिए। सुबह थोड़ा हैवी खाना हो गया था, इस पर इस तरह हम हल्का खाना है। कपड़े भी हैं तो कपड़े उतार लूँगी, अभी रुक जाओ मैं बता रही हूँ तुम्हें। कितनी बदतमीजी हो रही है यहाँ पे है ना, चलो नीचे नीचे जाओ।
कपड़े उतार लूँ, आज मैं कपड़े नहीं उतारा, मैंने टाइम हो गया। चल पहले कपड़े उतार लेती हूँ, फिर उतारती हूँ। मैंने Thank you.